भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर किया राजस्थान महिला और दलित अत्याचार रा मामला माए देश माए शीर्ष मा थे। देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान जारी। अब 37 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों ने दी गई वैक्सीन रीडोज। प्रदेश में काल थोड़ी गिरावट रे पाछे कोरोना संक्रमण रा 62 नवा मामला आया सामे। जयपुर में 16 संक्रमित मिलिया। प्रदेश भर में आज करियो जा रही है राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन। न्यायालय में लंबित करीब 2 लाख से ज्यादा प्रकरणों ने सुनवाई सारू करियो गयो है चिन्हित। और अजमेर में एसीबी री टीम आरपीएससी रा कनिष्ठ लेखाकार ने 1 लाख रुपया री रिश्वत लेता करिया गिरफ्तार। आरोपी आरएएस परीक्षा रा साक्षात्कार में अच्छा अंक दिलावार सिलेक्शन करबारी एवज में मांगी रही 25 लाख रुपया री रिश्वत। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घनो घनो स्वागत। और अबे खबरा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी कई है कि राज्य सरकार री अकर्मण्यता रे कारण महिला और दलिता पर अत्याचार रा मामला माए राजस्थान देश माए शीर्ष माथे है। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर आज नवी दिल्ली माए पार्टी मुख्यालय माए पत्रकार वार्ता माए बताया कि कल लारले बरस महिला अत्याचार माए 50% बढ़ोतरी हुई है। वे कया कि अलवर माए लारला 15 दिन माए सामूहिक दुष्कर्म री 7 घटनावा सामे आई है। वे सरकार माथे समुदाय विशेष रा अपराधी सामे होबा परा कार्रवाई नी कर बारो आरोप लगाया है। 2020 के देश के जो क्राइम के आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान अनफॉर्चुनेटली नंबर वन स्थान पर है। महिलाओं के ऊपर क्राइम पर नंबर वन स्थान पर है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, उसमें नंबर टू से नंबर वन के स्थान पे जा रहा है। राजस्थान की सरकार का एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य के कारण ये सब हो रहा है, सत्ता में बने रहना। चाहे कुछ भी हो जाए राजस्थान के अंदर, सत्ता में बने रहना उनका जो एकमात्र लक्ष्य है। उस कारण से उन्होंने सबको छूट दे दी है, सबको ढील दे दी है। और एक ही टेस्ट है, वो है लॉयल्टी टेस्ट। कि मुख्यमंत्री जी के साथ लॉयल्टी रखिए, उसके बाद अपने क्षेत्र में खुली छूट से जो कुछ भी करिए। और उसी कारण से ये हालात नीचे तक पहुंच गए। अलवर जिले के अंदर ही पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन असलियत जनता तक पहुंचे ये निहायत ही जरूरी है। 6 महीने में दुष्कर्म की वारदात 30% बढ़ गई। पिछले 30 दिन में ही 550 केसेस आए, पिछले 30 दिन के अंदर 550 केस। लेकिन 1 जुलाई को एक कृष्ण वाल्मीकि नामक व्यक्ति की सरियों से और डंडों से मार मार के हत्या कर दी गई। और अभी तक उसके मारने वालों की जो पहचान हुई है, किसी धर्म से मैं नहीं मानता, वह है कुरैशी, रईस, इमरान, सोहेल, शाहिद, अख्तर अली, लेकिन सन्नाटा है, कानून काम नहीं कर रहा। और मैं फिर से दोहराए देता हूं, ना आतंकी घटनाओं की, ना इस तरह की जो इनह्यूमन एक्शंस हैं, इसके अंदर कानून को काम करना चाहिए खुलकर। इसीलिए पुलिस को वर्दी दी गई है और इसीलिए सत्ता में सरकार को बिठाया है राजस्थान की। लेकिन सन्नाटा है। प्रश्न यह उठता है कि सन्नाटा क्यों है? क्या यह राजनीतिक कारणों से है? क्या यह उनके वोट बैंकों की वजह से है?
देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। अब आरताई 37,21,00,000 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। लाडला 24 घंटा में 30,50,000 से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करियो गयो है। कोरोना को हराने के लिए राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक अपने अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। इस वक्त देश में पिछले 24 घंटों में देश में 42,766 नए मामले दर्ज हुए, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 45,254 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,033 हो गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 97.20% हो गई है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.34% है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37,21,96,268 कोविड टीके लगाए गए हैं। शुक्रवार को टीकाकरण अभियान के 175वें दिन 30,55,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। अब तक 42,90,00,000 सैंपल की जांच की गई है और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 9 जुलाई तक कुल 42,90,41,970 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 9 जुलाई को 19,55,225 नमूनों की जांच की गई। महालेखाकार कार्यालय कानीसुआ जयपुर में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर आयोजन करियो गयो। शिविर में 250 से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगाई गई। एजी कार्यालय री वरिष्ठ उप महालेखाकार प्रशासन मीना कुमारी मीणा बताया कि शिविर रो उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन रो लाभ पहुंचाणो है। ये महालेखाकार कार्यालय और महालेखाकार कार्यालय में जो दो अन्य कार्यालय हैं उन सभी की तरफ से ये वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया जा रहा है। और इस शिविर में हम लोगों ने जो इसका पहला शिविर हुआ था उसमें जिन सब लोगों के डोज लगे थे, लगभग 300 लोग थे, तो उन सब का डोज आज सेकेंड डोज लग रहा है, वो हम प्रयास कर रहे हैं। और इसमें मैं साथी में जो CMHO ऑफिस है उनके प्रयासों की सराहना करना चाहूँगी कि उन लोगों ने साथी के साथ हमें वैक्सीन अवेलेबल करवाई। और मैसेज आपके माध्यम से सभी को देना चाहूँगी कि सभी लोग जो भी एलिजिबल लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम इस महामारी से मुकाबला कर सकें और आगे बढ़ सकें। चूरू जिला रा सरदार शहर रा तेरा पंथ भवन माए महिलावा ने कोरोना सु बचावा सारू खास टीकाकरण शिविर रो आयोजन करियो गयो। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे महिलावा सारू बैठावा अर पीबारा पानी री व्यवस्था करेगी। SDM रानी छीपा शिविर रो निरीक्षण करता थका गया के महिलावा ने सुरक्षित करवा खातर या अनूठी पहल करेगी है। ताकि वहाँ पे महिलाएं आए और उनको आराम से वैक्सीन लग जाए। तो चूंकि यहाँ पे ऑफिसर्स भी महिला थी, डॉक्टर्स भी काफ़ी महिला थी, तो एक हमने ऐसा प्लान किया और मैं देख पा रही हूँ कि लोगों में बहुत सारा उत्साह है। उम्मीद करते हुए हम आगे भी इस टाइप के कैंप्स करेंगे। उत्साह तो आप देख ही सकते हो, इतनी सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं। आज 500 का टारगेट है, तो टोकन व्यवस्था है ताकि लोगों का, महिलाओं का जो समय बर्बाद होता है उसकी बचत हो सके। जिनको टोकन मिला उन्हीं का वैक्सीनेशन होगा और साथ ही 18 प्लस के साथ साथ सभी एज ग्रुप का, ऊपर 18 प्लस से ऊपर जितनी भी एज की महिलाएं हैं सभी का वैक्सीनेशन हो रहा है। महिलाएं जो गृहस्थी भी संभालती है, घर का काम भी करती है, वो टीकाकरण की लंबी लंबी लाइनों में परेशान हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि टीके की सीमित डोज के कारण वो महिलाएं 2 घंटे लाइन में रहने के बाद भी टीकाकरण से वंचित रह जाती है। उसी भावनाओं को देखते हुए हमने ये प्रयास किया है कि महिला समर्पित कैंप रखा जाए और इसकी थीम भी हमने पिंक थीम रखी है। आज इस कैंप में पुलिसकर्मी, सुरक्षा गार्ड, वेरीफायर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ANM स्टाफ और डॉक्टर, हमने सभी को महिलाओं को ही रखा है। और जो व्यवस्था यहाँ की देख रही है वो भी तेरापंत महिला मंडल की जो महिला विंग है वही देख रही है। लगभग 500 टीकों का हमने ये कैंप रखा था। बहुत ही उत्साह नजर आ रहा है और महिलाओं के साथ हमें भी इस बात की खुशी है कि हमें चिकित्सा विभाग ने बहुत अच्छा सहयोग करके आज राजस्थान का सबसे पहला महिला कैंप दिया है और इसमें इसकी बहुत ही विधिवत सुचारू रूप से व्यवस्था रही है। महिला कार्यकर्ताएं हैं और सभी में भरपूर सहयोग दिया है हमें और सभी में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है आज हमें। और सभी समाज की महिलाएं आज यहाँ पर एकत्रित हुई है तो आज पूरा सरदार शहर का महिला शक्ति यहाँ एकत्रित है। और दूसरा मैं कहूँगी कि ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है जो राजस्थान में पहली बार नारी शक्ति के सशक्तिकरण को लेकर उठाया गया है।
प्रदेश में काल थोड़ी गिरावट रे पाछे 62 नवा कोरोना संक्रमित मिलिया है। यामाय राजधानी जयपुर में 16 मामला सामने आया है। वठे ही दूजा जिला में 10 सौ कम रोगी पाया गया। राज्य में 815 सक्रिय मामला रह गया है, जबकि बांसवाड़ा, धौलपुर और डूंगरपुर संक्रमण मुक्त हो गया है। दूजी कानी प्रदेश में 2 दिन बाद काल कोरोना से उदयपुर में 1 मरीज की मौत हुई, जबकि 70 लोग स्वस्थ हुआ है। जोधपुर रेल मंडल आपरा कर्मचारी अरवारा परिवार रा सदस्य री स्वास्थ्य जांच सारू मेडिकल ट्रेन री शुरुआत करी गई है। इन ट्रेन रे जरिए उत्तर पश्चिम रेलवे रे तहत अवाला छोटा बड़ा स्टेशन पर मेडिकल कैंप आयोजित करया जावेला। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे बताया कि कोविड री तीसरी लहर री संभावना ने देखता हुआ जोधपुर मंडल माए टाबरा सारू खास स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करबा रा निर्देश दिया गया है। बताना चाहूँगी कि सेकेंड वेव जो आई थी कोविड की, उसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास करे, बहुत हमने सहा, अपने करीबी लोगों को खोया। अब ये थर्ड वेव की जो आहट आ रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 18 साल से कम बच्चे हैं, वो बताया जा रहा है सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है। और बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बच्चों में ही हमारी जान बसती है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि हमारे जितनी रेलवे की कॉलोनीज हैं जोधपुर डिवीजन में, वहाँ पर हम कैंप्स लगाएं। तो हमने ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलवाई है, मेडिकल स्पेशल हेल्थ ट्रेन, जो सुबह निकली है 6 बजे और ये पूरा जोधपुर से सांभर तक सारे स्टेशंस को कवर करेगी, बीच में रुकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश रा 11 जिला रा 17 अस्पताल माए आईसीयू नवजात गहन इकाई, शिशु गहन चिकित्सा इकाई और मदर केयर यूनिट रो शिलान्यास करया। इन मौके वे कहा कि राजस्थान चिकित्सा रा खेतर माए पायनियर बनर उभर रियो है। देश रा दूसरा राज्य रा लोग भी अठे इलाज करावा सारू आ रिया है। राजसमंद माए चिकित्सा महकमा कानी सु कोरोना री संभावित तीसरी लहर सु निपटवा खातर सगली तैयारी करी जा रही है। अणी कड़ी माए भारत विकास परिषद रा सहयोग चु जिला अस्पताल माए बनया गया इमरजेंसी वार्ड रो विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी उद्घाटन करिया। इन वार्ड माए 2 आईसीयू मॉनिटर उपकरण सुयुग बेड री सुविधा उपलब्ध रहवेली। कार्यक्रम माए सांसद दिया कुमारी और भारत विकास परिषद रा कई पदाधिकारी मौजूद रिया। इन मौके सांसद दिया कुमारी जिला अस्पताल माए आईसीयू यूनिट बढ़ावा सारू 50 लाख रुपया दे बारी घोषणा करी। परिषद के 25वें साल के उस लक्ष्य पे यहाँ पर इन्होंने इमरजेंसी वार्ड आरके हॉस्पिटल को दिया है, पूरा बनाकर रेनोवेट करा है इसको। इसमें इन्होंने 2 आईसीयू बेड्स और 1 स्ट्रेचर विद ऑक्सीजन की फैसिलिटी, आईसीयू बेड्स भी पूरे सब तरीके से कार्डियक मॉनिटर के साथ और सारी सुविधाओं के साथ दिया है। यहाँ पर अगर वेंटिलेटर की भी अगर दाखिल लगाना पड़े तो भी ये पर्याप्त है, तो ये पूरा रूम इनकी तरफ से दिया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा कार्यकारी अध्यक्ष संगीत राज लोढ़ा रे आदेशानुसार बरस 2021 री प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन आज संपूर्ण राज्य रा अधीनस्थ न्यायालय माए ऑफलाइन और ऑनलाइन करियो जारियो है। जयपुर पीठ माए लोक अदालत रो शुभारंभ न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा और न्यायाधीश सबीना दीप प्रज्वलन करया। न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा बताया कल लोक अदालत माए प्री लिटिगेशन रा करीब 82,000 और न्यायालय में लंबित 150,000 मुकदमा समेत करीब 233,000 प्रकरण ने सुनवाई सारू चिन्हित करियो गयो है। राष्ट्रीय लोक अदालत है, लेकिन राजस्थान में ये पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है इस वर्ष की। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत को अप्रैल माह में होना था, लेकिन कोविड महामारी की विपरीत परिस्थितियों की वजह से हम लोक अदालत आयोजित नहीं कर पाए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कल सायंकाल तक करीब 232,183 मुकदमे रेफर हो चुके हैं, जिसमें 82,928 प्री लिटिगेशन और 149,255 पेंडिंग लिटिगेशन रेफर्ड हैं। सभी लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किए हैं, हमारे न्यायाधीशगण, न्यायालय के कर्मचारी, अधिवक्तागण, विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी के हेड और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेड, सभी ने काफ़ी प्रयास किए हैं और हम आशान्वित हैं कि इस लोक अदालत में हम राजस्थान की श्रेष्ठता को बनाए रखते हुए नए प्रतिमान कायम करेंगे।
कि ये जो हमारी नेशनल लोक अदालत है ये खूब सक्सेसफुल हो। हालांकि थोड़ा फिजिकली आजकल लॉयर्स वगैरह नहीं आ रहे, तो हम थोड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बेनिफिट उठा के ये हमने प्री काउंसलिंग भी खूब की है, खूब मेहनत की है हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, ताकि खूब ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा हो सके। जोधपुर हाईकोर्ट और महानगर न्याय खेतर में राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन करियो जा रियो है। इन दौरान कई लंबित मामला रो राजीनामा रे जरिए निस्तारण करवायो जा रियो है। जिला और सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव रेना शर्मा बताया कि जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में 9037 लंबित प्रकरण चिन्हित करिया गया है, जिन सारो 21 बेंचारो गठन करियो गयो है। विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आज इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हमने एक नए प्रयोग के रूप में दोनों तरीके से लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से भी लोग आएंगे और हम उनसे वर्चुअली भी संपर्क करेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जोधपुर न्याय क्षेत्र में, जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में 98,484 प्रकरण लंबित है न्यायालयों में, जो दांडिक एवं दीवानी दोनों तरह के हैं। उनमें हमने आज राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 9037 प्रकरण चिन्हित करके 21 बेंचों का गठन करते हुए रेफर किया है। अधिक से अधिक प्रकरण जो शमनीय प्रकृति के हैं उनमें पक्षकारान बेंचों के समक्ष उपस्थित होंगे और उनका शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा। जोधपुर अंचल की तरफ से हमने जोधपुर लोक अदालत में करीबन 74 केसेस रखे थे, जिसमें से कुछ 5 केसेस अभी तक के निपटारा हो चुके, 20 लाख का एक सेटलमेंट हो चुका है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अकाउंट्स जो एनपीए अकाउंट है सेटल हो जाए। दौसा जिला में भी राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन करियो जा रियो है। इन दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से मामला रो निस्तारण करियो जा रियो है। दौसा में कुल 17 बेंच गठित करेगी है, या माए 6,320 मामला राजीनामा सो निस्तारित करवा सारू रखा गया है। आज ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से राजीनामा करने के लिए पक्षकारों के लिए एक सुविधा रहे, इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से रखी गई राष्ट्रीय लोक अदालत का। और राष्ट्रीय लोक अदालत कोरोना के बाद में आज पहली बार हो रही है। कोरोना के महामारी के कारण काफ़ी दिनों तक लोक अदालत का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन अब जो आज लोक अदालत रखी गई है उसके अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में लोग आए हैं अपने मामलों का राजीनामा कराने के लिए। दौसा ज़िले के अंदर कुल 17 बेंचों का गठन किया गया है, जिसके अंदर करीब 6,320 केस लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा करा के लोगों को अपना केस निस्तारण कराने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में लोगों के मामलों का निस्तारण होगा। आज काफ़ी बैंक वाले भी अपने मामले लेके आए हैं, जिन्होंने बकाया पैसों के अंदर रियायत देकर और राजीनामा कराना चाहते हैं। मोटर एक्सीडेंट के मामले हैं जिनके अंदर कंपनसेशन बीमा कंपनी द्वारा दिया जाना है, उसके काफ़ी रखे गए हैं। पुलिस महानिदेशक ML लाठर काल पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान पुलिस री ग्रामीण रक्षक योजना रो शुभारंभ करिया। इन दौरान वे योजना री बुकलेट ने भी लॉन्च करिया। इन मौके DGP कया कि इन योजना रो मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रा में आंतरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण ने संबल देवा, सारू ग्रामीणा और पुलिस माए सामंजस्य, आपसी संवाद और परस्पर विश्वास कायम करनो है। बोगस फार्मारे जरिए सरकार ने लगभग 100 करोड़ रुपया की चपत लगावारा मामला माए CGST एंट्री इन्वेजन शाखा 3 आरोपिया ने गिरफ्तार करी है। इनरे बाद तीनों आरोपिया ने आज कड़ी सुरक्षा रे बीच कोर्ट माए पेश करियो गयो, जठे सोमवार ताणी न्यायिक अभिरक्षा माए भेज दियो गए है। CGST रा SPP बनवारीलाल ताखर बताया कि ये तीनों आरोपी देश रा कई शहरा माए 50 से ज्यादा बोगस फार्म खोलकर सरकार ने करोड़ों नुकसान पुग्यो है। लोगों ने अपने नाम से कोई भी फर्म नहीं बनाई है,
दूसरों के लोगों को लालच देके और दूसरों को लोगों के नाम से ही फर्म बनाई है और खुद धंधा किया है। इसमें करीब 700 करोड़ से कितने का, इससे ज़्यादा का इन्होंने बिल फाड़े है। और पूरे इंडिया में, बॉम्बे में भी और भी जगह जगह है कि एड्रेस से इन्होंने अपने फर्में इस तरीके से बढ़ाई और एक कमरे में बैठकर वो फर्जी बिल फाड़ फाड़ के आगे पास ऑन किया। वो अब तक की जांच से 80 करोड़ का पास ऑन इन्होंने किया है। देश को, ये समाज को, लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे लोगों के चुगल में हम नहीं फंसे हैं कि कल हमें इनकी बदौलत जेल जाना पड़े। ये छोटे से लालच दे दे के एक एक फर्में खुलवा के 10,000 रुपये दिए, 20,000 रुपये मंथली दिए और फिर फर्में खोल ली और उसका सारा बेनिफिट करोड़ों का तो ये ले गए और वो जेल की हवा वो लोग खाएं। तो ये मैसेज आप मीडिया की तरफ से, मैं विशेष रूप से कहूँगा, ये मैसेज आना चाहिए जनता। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग रा कनिष्ठ लेखाकार सज्जन सिंह गुर्जर ने 1,00,000 रुपया की रिश्वत लेता हुआ रंग्या हाथ गिरफ्तार करियो है। ब्यूरो रा डीजी बीएल सोनी बताया का आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2018 रा साक्षात्कार माए अच्छा अंग दिलाबा और सिलेक्शन कराबा री एवज माए आरोपी परिवादी सु 25,00,000 रुपया की रिश्वत मांगी है। भरतपुर और जोधपुर संभाग में साइबर क्राइम रे रोकबा खातिर राज्य सरकार साइबर थाना खोलबारा प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी है। भरतपुर में रेंजर स्तर पर ये थाना खोलिया जावेला, इनमें संभाग रा 4 जिला ने समाहित कर रेंज आईजी मॉनिटरिंग करेला। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई बताया कि भरतपुर जिला में ठगी री वारदात करवा वाली कई गैंग सक्रिय है जो बाहर रा दूजा राज्य में भी ठगी की वारदात ने अंजाम देवे है। विवाद इलाका माए टटलू गिरोह भी लोगों ने ठगी रो शिकार बनावे है। अस्यामा साइबर थाना या वारदाता ने रोकबा सारू घना कारगर साबित होवेलो। हनुमानगढ़ जिला रा लुखवाली हेडरे कने 9 फरवरी ने इंदिरा गांधी नहर माए कार गिरबासू 4 लोगारी मौतरा मामला रो पुलिस खुलासो कर दियो है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन खबर निवासी सु बातचीत करता थका बताया कि जिन तारीखा सु इन घटना ने अंजाम दियो गयो हो उन सु या आकस्मिक दुर्घटना लाग रही है। मामलारी गहन जांच करवा परा गया, सोची समझी हत्यारी साजिश निकली। इन मामला में पुलिस बारीकी सु जांच करता थका एक आरोपी ने गिरफ्तार करी है। ये बताया कि संपत्ति विवाद रह चलता इन वारदात ने अंजाम दियो गयो है। पुलिस अधिकारी श्री रणवीर मीना डिवाइस सिरावट सर, श्री प्रशांत कौशिक डिवाइस के हनुमानगढ़, श्री वाहेगुरु हेड कांस्टेबल और श्री विशपाल सिंह हेड कांस्टेबल की पुलिस टीम ने बेहतरीन प्रयास करते हुए ह्यूमन इंट और टेक्निकल एनालिसिस से पता लगाया कि ये वास्तव में एक आकस्मिक दुर्घटना नहीं होकर हत्या की पूरी साजिश के साथ की गई घटना थी। और इसमें जो मुलजिम पाए गए, श्री रमेश स्वामी जो कि इस कार को चला रहे थे और उनका एक सहयोगी रामलाल को गिरफ्तार किया जा चुका है और रमेश स्वामी को नोटिस दिया जा चुका है कि उनकी इस प्रकरण में भूमिका पाई गई है और वे वंचित हैं। दौसा जिला में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन कानी सु जनसंख्या विस्फोट सु पैदा हुआ वाला सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण संकट री स्थिति सु बचबा खातिर जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करबारी मांग करी है। फाउंडेशन रा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मनीष पहाड़िया कलेक्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने इन बाबत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने नाम ज्ञापन सौंपिया। जनसंख्या दिवस है, अब हमारा एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसको लेके आज प्रधानमंत्री से एक सख्त कानून की मांग को लेके ज्ञापन दिया है। पूरे विश्व का 2.4% भूभाग हमारे पास है जबकि हमारी जो जनसंख्या है वो 17.75 है। अब जैसा हमने कोरोना महामारी में इसके दुष्प्रभाव देखे कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं रही, लोगों ने बहुत जो यातनाएं सहन करी, जो हॉस्पिटलों के बाहर एम्बुलेंसों में लोगों की जान चली गई, ये सब जनसंख्या विस्फोट के चक्कर में है। जनसंख्या विस्फोट से पर्यावरण को भी खतरा है, सारा जो पर्यावरण है वो समाप्त होता जा रहा है। जो संसाधन सरकार हमें मुहैया करा रही है वो इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण हम सबको मिल नहीं पा रहा। अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, सख्त कानून आता है, 2 child policy आती है तो विकास का लाभ सबको मिलेगा।
बीकानेर में पर्यटन ने बढ़ावा देबार अठेरी लोक कला और संस्कृति सु पर्यटकान ने रूबरू करबाबा सारू कई नवाचार कर्या जा रिया है। इनी कड़ी में शिल्पकार रुचिका जोशी शहर में कई जगह फाइबर री मूर्तियां स्थापित करी है। अब वे अठेरा रेलवे स्टेशन पर बनिया नुवा वेटिंग हॉल समेत स्टेशन परिसर ने मूर्ति कला रे जरिए साकार रूप देवा में जुटी है। इनमें जूनागढ़ किला सु निकाला वा वाली शाही गणगौर री सवारी समेत न्यारी न्यारी लोक संस्कृति री झांकी ने दर्शायो गयो है। वो हमारे कल्चर को हमारी रॉयल्टी को भूलती जा रही है, तो इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे राजस्थान का इतिहास है, जो राजस्थान की रॉयल्टी है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको सर मैं अपनी मूर्ति कला के अंदर दिखा रही हूँ ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि हमारा जो इतिहास था वो बहुत रॉयल था। कोरोना काल के दौरान सभी पैसेंजर्स डर रहे हैं ट्रैवलिंग करने से, तो मेरा ये मानना है कि जब पैसेंजर यहाँ आके आधा घंटा एक घंटा वेट करेगा तो उसके अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और वो बहुत पॉजिटिव फील करेगा और साथ के साथ हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। हमने रॉयल जो गणगौर सवारी है वो दिखाई है, 4 मेजर लव स्टोरीज दिखाए हैं और सर हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए 4 मेल और 4 फीमेल को भी हमने लेफ्ट और राइट वॉल पे दिखाया है। कनेर की जो लोक संस्कृति है बहुत रिच लोक संस्कृति है, तो लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और जो पर्यटक जो हमारे दूसरी जगह से आते हैं तो पर्यटकों के लिए भी एक देखने के लिए कि बीकानेर की संस्कृति की छाप पड़े, थोड़े उनके समझ बढ़े। और अगर आपने देखा होगा तो ये इस तरीके के प्रयास हमने स्टेशन की जो सेकंड एंट्री है उधर भी हैं, उधर बीकानेर के और जो राजस्थान के जो 4 प्रमुख प्रेम कथाएं हैं उनका चित्रण है। फिर आपने अगर देखा होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर तो एक हमने राजस्थानी जीवन की झांकी प्रस्तुत की हुई है। बूंदी माए वन विभाग री टीम काटी अस्थोली वन खेतर माए हरिपुरा रे कने वन विभाग री करी 50 बीघा जमीन सु अतिक्रमण हटायो है। उपवन संरक्षक सोनल जोरिहार और क्षेत्रीय वन अधिकारी वनी शर्मा री अगुवाई माए इन कार्रवाई ने अंजाम दियो गयो। इन दौरान विभाग रा कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रिया। प्रदेश में आज एक बार फेरू कई इलाका में बारिश रो दौर शुरू हो गयो है। इन सु लोगा ने तेज गर्मी सु कुछ राहत मिली है। आज राजधानी जयपुर में सुबह रे कई इलाका में हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हुई। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आगामी 13 जुलाई ताणी मानसून पूरा प्रदेश में सक्रिय हो जावेलो, वटे ही जयपुर शहर में अगला 24 घंटा में मानसून री गतिविधियां देखबाने मिलेली। अराव अब बात करा खुदरी और दूजारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना सु बचाव रे खातर काई है जरूरी कदम। और अब खास खबरा एक बार फेरू। भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार पर लगाई गंभीर आरोप। भाजपा रा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की राजस्थान महिला और दलित अत्याचार रा मामला माए देश माए शीर्ष माथे। देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान जारी। अब 37,21,00,000 से ज्यादा लोगों ने दी गई वैक्सीन री डोज। प्रदेश में कल थोड़ी गिरावट रे पाछे कोरोना संक्रमण रा 62 नवा मामला आया सामे। जयपुर में 16 संक्रमित मिलिया। प्रदेश भर में आज करियो जा रही है राष्ट्रीय लोक अदालत रो आयोजन। न्यायालय में लंबित करीब 2,00,000 से ज्यादा प्रकरण ने सुनवाई सारू करियो गयो है चिन्हित। और अजमेर में एसीबी री टीम आरपीएससी रा कनिष्ठ लेखाकार ने 1,00,000 रुपया री रिश्वत लेता करिया गिरफ्तार। आरोपी आरएस परीक्षा रा साक्षात्कार माए अच्छा अंक दिलाबा और सिलेक्शन करवा दी एवज मांगी 25,00,000 रुपया री रिश्वत।
इन रेस आते ही समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुयो। नमस्कार।